for you. I hope you will be fine. As you know, today is 29th May and Friday. So today I am giving to you moral, that is, you cannot change your future. You cannot change your future, but you can change your habits. You can change your habit, and surely your habit will change your future. Means आप अपने भविष्य को ना नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ अपने habits को जरूर बदल सकते हैं. और habits को बदल कर देखिए, habits बदलने की वजह से आपका future अपने आप change हो जाएगा. As like आप पढ़ाई करते हैं तो आपका अंतर पढ़ाई में ही मन लगता है, कोई और काम करोगे तो उसी काम में मन लगेगा. इसलिए क्या रहें कि habits को चेंज करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें. जब आप पढ़ाई करने लगेंगे ना, आपका पढ़ाई के अलावा कहीं और मन ही नहीं लगेगा. आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रहेगी, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, आई हैव टू कम्प्लीट माई गोल. ओके, एंड टुडे इज आई वॉन्ट टू टेक योर रिविजन क्लास ऑफ प्रीवियस एक्सरसाइज. एज यू नो सम स्टूडेंट्स हैज सेड टू मी दैट मैम यू आर टीचिंग फ्रॉम द आर डी शर्मा बुक. मैम यू आर टीचिंग फ्रॉम द आर डी शर्मा बुक एंड आई कैन नॉट परचेज नाउ टिल नाउ आर डी शर्मा. सो टुडे आई एम टीचिंग टू यू बाई एन सी आर टी बुक. ओके, मैं आपको एन सी आर टी बुक से ही रीड करा रही हूँ, टीच करा रही हूँ. ठीक है, जैसे बताए अभी इसमें क्या करना है, आपको रिविज़न करना है प्रीवियस एक्सरसाइज की, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर में आपको नॉलेज दी थी. तो मैंने आपको सबसे पहले बेटा क्या बताया था, नेचुरल नंबर. ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से, और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक. ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है, जो वन से स्टार्ट हो, जो भी काउंटिंग, नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग. ऐसी काउंटिंग तो कहाँ से स्टार्ट होती है, वन से. फिर आपका आता है होल नंबर. होल नंबर और नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं बेटा, एन से. ठीक है, और डब्ल्यू यानी कि होल नंबर इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू एंड इट्स ऑल्सो इंक्लूड ज़ीरो, सो इट इज़ नोन एज होल नंबर. ओके, अब आपका नेक्स्ट आता है इंटीजर. नेक्स्ट क्या है बेटा, इंटीजर्स. और इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं, जेड से. अच्छा, कभी आपने पूछा नहीं बच्चों कि नेचुरल नंबर को मैम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को जेड से क्यों डिनोट करते हैं? कभी आपने ये नहीं पूछा कि मैम इंटीजर्स को आई से क्यों नहीं डिनोट करते हैं? सोचना चाहिए ना, पूछना चाहिए. चलो आज नहीं पूछा तो मैं आज आपको बता ही देती हूँ. इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है. ठीक है, आपका इंटीजर्स है, इसको जेड से इसलिए बेटा डिनोट करते हैं क्योंकि ये एक वर्ड से लिया गया है, जलहान से. इसे लिया गया है जलहान से, जिसका मतलब क्या होता है, काउंटिंग. जलहान मीन्स क्या होता है, काउंटिंग. ठीक है, तो इसीलिए इसको किससे डिनोट किया गया, जेड से. ठीक, अंडरस्टैंड हुआ. फिर आप जो पढ़ रहे हो टॉपिक, वो आपका क्या है, रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर को इससे डिनोट करते हैं, क्यू से. अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि रैशनल नंबर को क्यों से क्यों डिनोट करते हैं. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि रैशनल जो है ये एक वर्ड से मिलकर बना है. यहाँ तक देखो, ये क्या है, रेशियो. किससे मिलकर बना है, रेशियो से. रेशियो से बना रैशनल. तो सिंबल इसका क्यों कैसे हो गया, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है कि पी अपॉन क्यू, यानी कि इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या आता है, क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट आंसर होता है. इसीलिए इसका सिंबल क्या हो जाता है, क्यू. ठीक है, तो द सिंबल ऑफ रैशनल नंबर इज क्यू. ठीक, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू. ठीक है, व्हाट इज द रैशनल नंबर, द रैशनल नंबर इज द नंबर दैट इज द राइट एज न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर एज लाइक पी अपॉन क्यू. बेटा ये आपको सारी डेफिनेशंस कॉपी में नोट करनी है. जैसा कि आपको पता है, मैं जब कोई भी एक्सरसाइज कराती हूँ तो उससे पहले सारी एक्सरसाइज, उसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं, वो सारा आपकी कॉपी में नोट करवा देती हूँ. तो आपको नोट करके ही करना है. ठीक है, फिर मैंने आपको बेटा बताया था कि किसी भी रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं और उनको कैसे फाइंड आउट. तो बच्चों देखो कैसे, जैसे आपके बुक में एक क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5, ये आपका रिवीजन है, मैं पिछले क्लास में इसको बता चुकी हूँ. सपोज करो आप इसमें 5 नंबर इंसर्ट करना है, तो मैंने क्या बताया था, जितना नंबर इंसर्ट करना होगा उससे 1 ज़्यादा. 5 इंसर्ट करना है तो 5 से 1 ज़्यादा कितना हो गया, 6. 6 इससे बेटा ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर में वी विल मल्टीप्लाई, देन इट विल कम 18/30 एंड 24/30. ठीक है, तो 18 के बाद और 24 के पहले ये सारे नंबर इसके बीच में आ जाएंगे. क्या क्या आएगा,
18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना, 5। ये 5 नंबर इंसर्ट कर दिया हमने। ये था आपकी पिछली क्लास का लेक्चर बेटा। आज आपको मैं पढ़ाते हैं एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक से, ठीक है? तो एनसीईआरटी बुक में बेटा एक्सरसाइज 1.2 जो है ये आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन? तो बेटा आपको पता है रिप्रेजेंट मीन्स इसको हमें डिनोट करना है, रैशनल नंबर एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू, कहाँ पर डिनोट करना है? नंबर लाइन पर, ठीक है? सपोज करो बेटा आपको क्या डिनोट करना है? अंडर रूट टू, ठीक है? क्या डिनोट करना है? अंडर रूट टू। तो बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ध्यान में क्या रखना है बच्चों? क्या ध्यान में रखना है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या ध्यान में रखना है? पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पिछली क्लास में आपको डिस्कस कराया था, लेकिन मैं आज आपको फिर से रिवीजन करा ही देती हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम होती कहाँ क्या है, इसको यूज़ कहाँ करते हैं। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम इज यूज ओनली राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? कौन से ट्राइंगल पे फॉलो करता है? इट फॉलोज ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। कहाँ फॉलो करता है? राइट एंगल ट्राइंगल पर, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था बेटा इसे क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। व्हाट्स दिस? दिस इज आवर परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर पहचानते कैसे हैं? तो कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन जब आप क्या देखते हैं, जब कोई भी एक ऐसी लाइन जब किसी दूसरी लाइन के साथ कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, अगर आपके पास प्रोटेक्टर है तो आप इसे मेज़र करके देख भी सकते हैं, ये 90 डिग्री ही आएगा। जब आपकी किसी भी लाइन में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो आपका क्या कहलाता है? राइट एंगल। देखो जैसे ये यहाँ नहीं, इस साइड देखो, ये इस कॉर्नर पे आप देख रहे हो, इस कॉर्नर पे यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पे ऊपर देखो, इस कॉर्नर पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री। घर के किसी भी कोने में देखो तो हमारा ज्वाइंट होता है, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है? तो क्या बनता है? राइट एंगल। आपने घड़ी देखी होगी, क्लॉक, क्लॉक में क्या देखा है आपने? जब हमारा क्या बनता है? 3 बजता है। क्या बजता है? 3। तो 3 बजे हमारी ऐसे ही एकदम एग्जैक्ट निडल होती है, मिनट और आर के निडल। 3 बजे क्या बनता है? 90 डिग्री। ऐसे से हम आप देखो 9 o'clock पे, 9 o'clock पे भी आपका क्या बनता है? 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन कन्फर्म हो जाता है कि घड़ी में कितने बजे 90 डिग्री बनता है, ठीक है? कितने कितने बजे? सिर्फ 2 ही बजे नहीं बनता बेटा, और बार भी बनता है, लेकिन जो आप देख सकते हैं वो यही है दोनों, 3 और 9। इससे और भी बार बनता है, मैं बताऊंगी आगे की क्लास में। अभी फिलहाल जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या, ये हमारा बेस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना? राइट 90 डिग्री का। 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसको राइट एंगल बोलते हैं, इसीलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है? तो बेटा ये आपकी थर्ड वाली साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपको पता भी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? दिस थ्योरम टेल्स दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, व्हाट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, ये इक्वल है ना, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस, स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। व्हाट विल बी दिस साइन इन दिस? प्लस, ठीक है? तो क्या कहती है, मैं बोल रही हूँ बेटा आप नोट कर लो कि पाइथागोरस थ्योरम टेल्स अस दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स बेस एंड परपेंडिकुलर। अगेन आई रिपीट इट, नोट यू इन कॉपी, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड इट्स परपेंडिकुलर। देखो ये लिखा है, इसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। ये आपको क्या है बेटा? हाइपोटेनियस थ्योरम। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हाइपोटेनियस थ्योरम, ये सॉरी पाइथागोरस थ्योरम आई कहाँ से है, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आई है? एक साइंटिस्ट थे, पाइथागोरस नाम था उनका, और पाइथागोरस ने ही
पाइथागोरस साइंटिस्ट ने ही ये पाइथागोरस थ्योरम को बर्थ किया था, ठीक है, उन्होंने ही ये गेव किया था, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन समझ रहे थे, हम रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, उसमें इसका आपका जरूरत लगेगी, ठीक है। तो देखो बेटा, इसके लिए हमें सबसे पहले जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी रैशनल नंबर का, ठीक है, किसका, रैशनल नंबर का, जब हम लोग किसी भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसमें हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर को, किसको, परपेंडिकुलर को हमेशा वन यूनिट माना जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए किसको वन यूनिट माना जाएगा, ये हमेशा वन यूनिट ही रहेगा, कौन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमेशा वन यूनिट रहेगा, ठीक है। तो अब आपको पता क्या करना है, बेस, क्या पता करना है, बेस, ठीक। अब बेस पता कैसे चलेगा, बेस को पता करने का बेटा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एन माइनस वन, क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एन माइनस वन, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एन माइनस वन। जैसे आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है, हमें रिप्रेजेंट करना है बेटा किसको, अंडर रूट फाइव को, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये रिप्रेजेंट करना है किसको, रूट फाइव को, किसको रिप्रेजेंट करना है, रूट फाइव को, ठीक है। तो पता है आपको यहाँ से पी, पी कितना हो जाएगा, वन, मैंने हमेशा कहा था पी को हमेशा वन लेंगे, तो आपका बच रहा है बी, बी को कैसे निकालेंगे, या आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, फाइव को, तो यहाँ पे आपकी एन की वैल्यू बेटा कितनी होगी, फाइव। इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल गया, एन इक्वल्स टू कितना है, फाइव, ठीक है, एन कितना हो गया, फाइव। बेस निकालेंगे कैसे, बेस निकालने के लिए जो आपका एन रहेगा उसमें से वन माइनस करके उसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट पता है ना कैसे निकालते हैं, उसका पेयर बना के, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अंडर रूट फाइव माइनस वन, ठीक है, आपको पता है अंडर रूट फाइव माइनस वन क्या होगा, अंडर रूट फोर, और अंडर रूट फोर आप निकालेंगे आंसर तो क्या आएगा, रूट टू इंटू रूट टू आएगा ना, इसको बाहर करेंगे तो आपका b इक्वल टू क्या हो गया बेटा, टू, ठीक है। यानी कि अगर जब नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो b आपका क्या होगा, टू होगा, b आपका क्या होगा, ना ज़्यादा टाइम, बी इक्वल टू टू, बी इक्वल टू वन, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर स्केल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, बेस हमारा यहाँ पे कितना आ गया है, टू, बेस कितना आ गया है, टू, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे रिप्रेजेंट, आप क्या करना बेटा, आपके पास आर्क है ना, कंपास, बच्चों आपको करना क्या है, कंपास, ठीक है, एक स्पेशल डिस्टेंस ले लीजिएगा उसी कंपास से, जैसे देखो ये कंपास है ना, अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, पेंसिल लगाओगे, ठीक है। तो इसको आप चेंज मत करना, इसी से बार बार आपका जितना भी कट करना होगा उसी से आप इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। सपोज करो ये मेरा मार्कर है ना, मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको, आपके पास पेंसिल होगा तो आप पेंसिल से लगा के करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ऐसे आर्क लगाएंगे, मीन्स आपका, मेरा मतलब बस इतना है कि ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन में कोई रॉन्ग ना हो। फिर आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ज़ीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नंबर लाइन पहले बननी चाहिए, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव ये आपका हो गया, ठीक है। अब हमने क्या बताया, बेस कितना होना चाहिए, टू, बेस आपने निकाल लिया है, बेस कितना आ गया, टू, ठीक है। निकालेंगे कैसे, एन माइनस वन से, ठीक है, फाइव को रिप्रेजेंट करना था तो फाइव माइनस वन फोर, यानी कि टू, ठीक। तो यानी कि ये आपका बेस यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो आप इसको एरो बना के इसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक डिनोट कर लो, बी इक्वल टू टू, ठीक है, ये आपका टू यूनिट हो गया। यूनिट का मतलब इसमें जो भी यूनिट रहेगी, मीटर में रहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, ठीक है, यहाँ पर यूनिट हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया टू यूनिट, ठीक। अब आप देखो, ये आपने इसको पेंसिल से जब सटीक किए रहेंगे तो ये सारा वन वन डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ पे क्योंकि आपको टू चाहिए तो टू पे रखना कंपास को, कहाँ पे रखेंगे कंपास को, टू पे, ठीक है। तो कंपास को ऐसे कॉपी पे रख के ऐसे फिर आर्क लगाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा आपका आर्क, ठीक। ये बेटा हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है, क्या बनाना है, 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल आप चाहे तो कॉपीज में, जैसे मैंने कंपास से लगा के बताया था कि यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे हम ऐसे एक आर्क लगाएंगे, फिर एक आर्क यहाँ पे, फिर कंपास को यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ पे एक आर्क, और यहाँ पे रखने के बाद ऐसे ऐसे कट करके ये हमारा 90 डिग्री बन गया। तो आप ऐसे आर्क करके भी लगा सकते हैं, प्रोटेक्टर से भी लगा सकते हैं, क्योंकि कंडीशन नहीं दे रखी कि आपको 90 डिग्री कैसे बनाना है, तो आप फ्री हो चाहे जैसे बनाओ, बस 90 डिग्री होना चाहिए। और ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये कितना होना चाहिए, वन, ये हमेशा हर क्वेश्चन के लिए कितना रहेगा, वन होना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है क्या करना है, इससे इसको हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, क्या कर देंगे, मैच, ठीक है। अब
देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम का इसमें यूज कहाँ है, यही यूज है। बी कितना है, टू। बी कितना है, टू, और परपेंडिकुलर कितना है, वन। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बताओ, अगर बी की वैल्यू टू है, बेस अगर टू है, परपेंडिकुलर वन है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा निकालो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बी इक्वल कितना है, टू, यानी टू का स्क्वायर, प्लस पी इक्वल कितना है, वन, यानी वन का स्क्वायर, यानी कि फोर प्लस वन इट मीन्स फाइव। एच स्क्वायर इक्वल टू फाइव, जब आप एच से हटाओगे रूट स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा एच इक्वल टू रूट फाइव। क्या आ गया, एच इक्वल टू रूट फाइव। और ये आप क्या देख रहे हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनियस यही तो है आपका, यही तो है रूट फाइव। ये बेटा आपका क्या है, रूट फाइव, ठीक है। उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कंपास को रख के, यहाँ पे कंपास को रखना, पेंसिल आपने हाथ तो बदली नहीं है, आप आंख बदलेंगे नहीं, तो यहाँ पे आप जब कंपास रखेंगे तो आपकी पेंसिल इधर कहीं डायरेक्शन में आएगी। फिर उसके बाद आप ऐसे इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, एडजस्ट। तो बेटा ये जो आपका ये है हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे ओ और ए के पास मैंने लिख दिया ए, यहाँ पे क्या लिख दिया बी, तो आपका ओ बी, जो आप ओ बी देख रहे हो, ये ओ बी कितना है, रूट फाइव है। ओ बी कितना है, रूट फाइव। और अब जब यहाँ पे हम, जहाँ पे आपका आर्क आया है, क्या आया है, आर्क, ये थ्री के पास नहीं होगा, हाँ हो सकता है थ्री के पास नहीं हो, जहाँ भी आएगा आप वहाँ पे लिखिएगा, जैसे ओ लिखा है तो ये जहाँ पे आपका आर्क लगाने पे आएगा, आप यहाँ पे राइट करेंगे कोई भी नाम, हमने लिख दिया ओ ए बी, अब क्या आएगा सी, क्या आ जाएगा सी। तो बेटा आपका ओ बी भी रूट फाइव है, और ओ सी ये भी आपका रूट फाइव है, ठीक है। हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, तो ये इतना आपका क्या हो जाएगा, रूट फाइव, ठीक। ये भी आपका रूट फाइव, ये भी रूट फाइव, ठीक है। यानी ये दोनों लाइनें क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ये आपका बेटा क्या है, ये आपने एक आर्क लगाया है, ये क्या है, आर्क है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब हम लोग आर्क लगाते हैं तो सारी की सारी रेडियस क्या होती है, जैसे देखो ये ट्राइंगल बनाया, सर्किल बनाया हमने, तो यहाँ से और यहाँ से, तो बेटा आपको पता क्या है कि जब हम लोग सर्किल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सर्किल, सर्किल बनाते समय, तो सर्किल बनाते समय बेटा जब सर्किल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, जितनी भी रेडियस आती है वो सारी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हमारा क्या होता है, आर्क होता है। तो किसी भी आर्क से जब टच करते हैं तो रेडियस क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे भी आपका ये क्या बन जा रहा है, आर्क बन जा रहा है, तो इसीलिए ये सारी रेडियस क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो ये भी रूट फाइव और ये भी रूट फाइव, यानी कि ओ बी भी रूट फाइव और सी भी रूट फाइव, ठीक है। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। तो आप लिखेंगे ओ बी इक्वल टू रूट फाइव इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। रिप्रेजेंट करने समझ में आया, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है बेटा, आप क्या पता है, 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका ट्रू फॉल्स है, इसको आपको बताना। जैसे इसको दे रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, आप बताओ होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, क्योंकि सारे रियल नंबर क्या बनते हैं, रियल नंबर मैंने आपको क्या बताया था, रियल नंबर कैसे बताया था, ये आपको क्या है n, फिर आपको क्या आता है w, फिर क्या आता है इंटीजर, फिर क्या आता है रैशनल नंबर, और फिर क्या आता है इरेशनल नंबर, यानी कि क्यू डैश। तो इसका इसका यूनियन, यूनियन मीन्स पता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन, यूनियन मीन्स टुगेदर, ठीक है, यूनियन मीन्स टुगेदर। देखो यहाँ पे एक साथ राइट किया है ना हमने, ठीक है, यहाँ पे एक साथ राइट, इसको इसको एक साथ राइट किया है ना, तो ये आपको क्या कहलाता है, रियल नंबर। तो इसलिए फर्स्ट आंसर क्या है आपका बेटा, राइट है, ठीक है। तो आपको ट्रू फॉल्स करना है, ट्रू फॉल्स करिएगा क्वेश्चन नंबर टू, इसको भी आप करिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें कह रहा है कि रूट फाइव, रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, मैंने रिप्रेजेंट करा है। क्वेश्चन नंबर फोर ये कह रहा है कि क्लासरूम एक्टिविटी, ये क्लासरूम एक्टिविटी है, इसमें बेटा क्या करना है आपको, रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, रूट सिक्स और डैश 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 कह रहा है। ओ पी इक्वल्स टू डैश एन माइनस वन, ये जहाँ तक जाए एन माइनस वन, एन की जो भी वैल्यू हो, ठीक है, उसके हम एन माइनस वन तक इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक। चलो देखो, तो बेटा आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, ये आपको क्वेश्चन नंबर फोर यानी सॉल्यूशन फोर है, कौन सा, सॉल्यूशन फोर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन फोर को मैं करा रही हूँ यहाँ पे, आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे,
नंबर लाइन, यानी क्या क्या कर रहे हैं, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, या आप नंबर लाइन इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करना है बेटा, रूट टू। क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट टू। मैंने आपको बताया है कि रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम इज जस्ट दैट होल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस स्क्वायर एंड इट्स परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर के और बेस के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। और मैंने आपको बताया है कि किसी भी क्वेश्चन के लिए हम लोग पी को हमेशा कितना ऑब्जर्व करेंगे, 1 यूनिट। कितना ऑब्जर्व करेंगे, 1 यूनिट। बी निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, किसी भी क्वेश्चन के लिए, जैसे इस क्वेश्चन में बी आपको रूट टू रिप्रेजेंट करना है, तो बी निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, बी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला अंडर रूट एन माइनस वन। बी इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एन माइनस वन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, वेल एन इक्वल टू टू। जब आपका एन इक्वल टू कितना है, 2 है, तो आप लिखोगे रूट टू माइनस वन। रूट टू माइनस वन कितना आएगा, रूट वन, और रूट वन का आंसर कितना होगा, 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको बी भी कितना लेना है बेटा, बी भी कितना लेना है, 1, ठीक। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये कितनी यूनिट हो गई, 1 यूनिट, ये आपका हो गया बी इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। पी आपको पता है, ये आपका बेस हो गया, पी आपको पता है हमेशा कितना रहेगा, 1 यूनिट। लगाओगे कैसे, आर्क से। ये आर्क लगाया 90 डिग्री का आर्क बनाने के लिए, ये हमने दो आर्क लगाया, यहाँ पे कट किया और ये हमने 90 डिग्री कर दिया, ठीक है। ये हमारा बना कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक बेटा। इसको हम लंबाई और इंक्रीज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि ये हमारा होना कितना चाहिए, केवल 1। पता है ना कैसे करेंगे, स्केल रख के आप ऐसे कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 1 यूनिट। कितनी यूनिट हो गई है, 1 यूनिट, ठीक है। ये हो गया 1 यूनिट। अब देखो, ये हमारा बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक। बेस और परपेंडिकुलर मिल गया आपको। अब हमें क्या करना है, इसको टच करना है। क्या करना है, टच करना, ठीक। तो ये कितना हो गया, रूट टू। अब हम इस पर क्या करेंगे बेटा, आर्क लगाएंगे। जैसे ही हम आर्क लगाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम आर्क लगाएंगे, तो ये हमारा 1 और 2 के कहीं बीच में आएगा आंसर, 1 और 2 के कहीं बीच में। तो इसको मैंने माना था ओ, इसको राइट कर दो ए, इसको राइट कर दो बी, और इसको राइट कर दो सी। तो आप क्या लिखेंगे, ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्यों इक्वल है पता है, क्योंकि ये सारा क्या है, आर्क। तो ये हमारा क्या हो गया, रूट टू का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हमने किसको रिप्रेजेंट कर लिया, नंबर लाइन पर रूट टू को। आपको ये सारा बेटा कॉपी में नोट करना पड़ेगा, ठीक है। फिगर इसको लास्ट में बनाना, पहले ऊपर इसको सॉल्व करना, ठीक। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमें कितना चाहिए, रूट टू के बाद कितना रिप्रेजेंट करना था, रूट थ्री। इसको भी बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अब ध्यान रखना, यहाँ पे एन इक्वल टू, नाउ एन इक्वल टू कितना हो गया, नाउ एन इक्वल टू 3। अब आपकी n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो आप b निकालेंगे अंडर रूट n माइनस 1, यानी कि अंडर रूट 3 माइनस 1, यानी कि अंडर रूट 2। बेटा देखो, अब आपका बेस कितना हो गया, रूट 2। बेस कितना हो गया, रूट 2। ये जो आपका रूट 2 ये लाइन आई है, ये अब आपकी क्या हो गई, बेस। अभी तक ये आपका बेस था, बट नाउ दिस इज योर बेस, अंडरस्टैंड, ठीक है। ये अभी तक आपका ये बेस था, बट आपका ये अब बेस हो गया। तब हमें यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, ठीक। यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे जब, तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। आप ऐसे आर्क लगा के ड्रॉ करना, चाहे तो प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्क हो जा रहे हैं इसमें, तो आप प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोटेक्टर का यूज़ करके जब आप यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ करोगे, तो देखो ये आपका बन गया 90 डिग्री, ठीक। अब आपका ये हो गया बेस और परपेंडिकुलर है ये, तो ये हमेशा कितना रहेगा, 1। फिर हमें इसको और इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या करना है, ज्वाइन। तो ये रूट टू और ये 1, ये आपका क्या है, बेस, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। अब आपको चेक करना है कि क्या ये रूट थ्री है या नहीं है, क्या ये रूट थ्री है या नहीं है, चेक कर लो। कैसे चेक करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो आप लिखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू 2 + 1 = 3। एच स्क्वायर इक्वल टू रूट 3, तो इट मीन्स एच इक्वल टू अंडर रूट 3। एच इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 3। तो आपने चेक किया ना, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं बेटा, चेक कर सकते हैं कि आपका राइट है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने चेक किया, ये आपका कितना आ गया, रूट 3।
ठीक है। अब बेटा आपको नेक्स्ट स्टेप जब आगे बढ़ते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट फोर क्या रिप्रेजेंट करना है, इसी क्वेश्चन को अब हमें और आगे बढ़ाना है, तो रूट फोर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो रूट फोर के लिए मैंने क्या बताया था, पहले हम बेस फाइंड करेंगे। बेस कैसे फाइंड करेंगे, आप लिखेंगे नाउ b इक्वल टू अंडर रूट n माइनस वन, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो आप यहाँ पे रखोगे 4 माइनस वन, यानी कि क्या आया रूट थ्री। तो b इक्वल टू कितना आ गया बेटा रूट थ्री। अब बेस आपका क्या बन गया रूट थ्री, अब क्या बन गया बेस आपका रूट थ्री। फिर आप परपेंडिकुलर जब ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपका केवल 1 ही होना चाहिए बेटा, इसके ऐसे मेजर करके करना, ये 1 ही होना चाहिए, परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं, ठीक। तो ये आपका 1 हो गया, फिर ये रूट थ्री हो गया, ये आपका क्या हो गया रूट थ्री, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक। फिर आप इसको जब ऐसे मैच करोगे तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये रूट फोर आएगा या नहीं। फिर आप चेक करेंगे, चेक डाल के आप चेक कर लो, तो यहाँ पे एच इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा 3 ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन, अच्छा ये तो पता है ना रूट थ्री का स्क्वायर कैसे 3 हो जाता है, पता है ना, क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री, और रूट मतलब पावर हाफ, तो पावर हाफ एंड पावर हाफ, जबकि पावर कितनी हो जाती है 1, जो 3 की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, कितना हो गया ये रूट फोर। अब h इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, रूट फोर आ गया, यानी कि ये आपका क्या है बेटा रूट फोर, ठीक है। तो अब यहाँ से अब आपको आगे क्या रिप्रेजेंट करना है रूट फाइव, क्या रिप्रेजेंट करना है रूट फाइव। तो अब आपको पता है अभी आपने इससे पहले निकाला भी था, यहाँ पे जब n इक्वल टू आप 5 रखेंगे तो b इक्वल टू कितना आ गया रूट फोर, b इक्वल टू रूट फोर भी आ रहा है ना। आप जो केवल रूट फाइव को रिप्रेजेंट करो तो पहले वाले तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा सीरीज जब रिप्रेजेंट करना है तो b इक्वल टू कितना आ गया रूट फोर, ये है b इक्वल टू रूट फोर, ठीक है। इरेज कर दे रही हूँ मैं, आपको इसमें से जो भी नोट करना होगा पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप आगे वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा, तब इंक्रीज करके देखिएगा, ठीक है। तब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक। फिर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका रूट फोर हो गया, फिर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कितना होगा वो 1 ही रहेगा, फिर इसको मैच करेंगे तो ये कितना आएगा रूट फाइव। चेक जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 बार चेक कराया, 2 बार चेक कराया, आप और भी चेक करके देख सकते हैं बेटा, ये आपका ऐसे बढ़ते चला जाएगा, फिगर यहाँ तक आएगा, ठीक है। पूरा ऐसे फिगर आप ऐसे इंक्रीज करते चले जाओगे तो ये आपका यहाँ तक पूरा बढ़ता हुआ आएगा, और ये आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। यही आपकी एक्सरसाइज होमवर्क है, ये देखो ये आपका ऐसे बनता हुआ आएगा, यहाँ तक आपका ऐसे पूरा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे फिगर कुछ रिप्रेजेंट होके आएगा, ठीक। तो इसको कंप्लीट करना बेटा, रूट फाइव निकालना, रूट सिक्स निकालना, रूट सेवन निकालना, निकलेगा ऐसे ही, बस ये प्रोसेस क्या होता जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कोई डाउट होगा तो हमसे कंसल्ट करिएगा, ये आपके एक्सरसाइज 1.2 है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने के लिए बेटा तैयार हो जाओ, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है डेसिमल की, वो मैं पढ़ाऊँगी, तब तक आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट करके रखो, ठीक है। कोई डाउट होता है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ओके थैंक यू। My code is MPH.